हे नाथ, कहीं सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अव्य धुएं का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्ध पान करता है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी।